पूरी फैमिली के लिए 2 साल बाद एक बड़ी खुशी आई है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट खुद योगी जी ने ऑर्डर की थी 22 अगस्त 2017 को, और इसने ये माना है, इस रिपोर्ट ने ये माना है कि उस रात 10 अगस्त 2017 की रात लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और डॉक्टर कफील की टीम ने 500 सिलेंडर उन 54 घंटों में लेके आए। ये माना है कि डॉक्टर कफील ने अपने पैसे से सिलेंडर्स मंगाए। ये माना है कि डॉक्टर कफील के ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस से कोई सबूत नहीं मिला। ये माना है कि बहुत से बच्चों की मौत हो गई। 2 साल से इन फेमस डॉक्टर कफील, मर्डरर डॉक्टर कफील, कातिल का दाग लेके घूम रहा हूँ। शायद कुछ भूल जाएंगे, पर सही में जस्टिस मैं मानता हूँ तभी मिलेगा कि when the real culprits of BRD oxygen tragedy would be put behind the bar। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर कफील का कोई मेडिकल निगलिजेंस नहीं है। अब योगी जी की खुद की रिपोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर कफील का कोई आरोप नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आप इसको पढ़िएगा, ये क्या लिखा है इन्होंने, इंक्वायरी ऑफिसर ने, कि सारे आरोप जो डॉक्टर कफील के ऊपर लगाए गए हैं वो बलहीन और असंगत हैं, यानी कि विदाउट एनी सब्सटेंस इररिलेवेंट है। और जो डॉक्टर कफील ने रिप्लाई दिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं आप सबका, मतलब लाखों लोगों ने मुझे प्यार दिया है और लाखों लोगों की दुआएं साथ रही है। सब छोटे से बड़े से, गोरखपुर से लेके कोच्ची तक, बिहार से लेके आसाम तक, सबने बहुत प्यार किया है। और मुझे लगता है कि आपका ये प्यार मिलता रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।